हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप सिंपल लिव बेटर। आज मैं अपने इस वीडियो में बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल छोले मसाला। मैंने इस टेम्पटिंग माउथ वाटरिंग रेसिपी को काफ़ी आसानी से सिंप्लिसिटी के साथ बनाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल कीप सिंपल लिव बेटर को सब्सक्राइब करें। योर व्यूज मैटर्स अ लॉट फॉर मी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इस टेम्पटिंग सी यम्मी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। किसी भी रेसिपी को बनाने से पहले सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें। इससे क्या होता है कि रेसिपी जो है वो जितने समय में बनेगी उससे आधे समय में बन जाएगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गरम किया, देन मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, तेल को अच्छे से गरम किया। उसके बाद मैंने वे डाले हैं सूखे खड़े गरम मसाले। सभी चीज़ों को अच्छे से क्रैकल होने दें। यह है बॉयल्ड काबुली चना। इसके बाद मैं अभी डाल रही हूँ हींग। हींग डालने से छोले मसाला में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली की क्रस्ट वाली पेस्ट। इस पेस्ट को डालने से सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। देन अभी मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड ऑनियंस। मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद मैं चॉप्ड टोमेटोज डाल रही हूँ। हम सभी चीज़ों को चॉप्ड ही यूज़ करेंगे। मैंने किसी भी चीज़ का पेस्ट नहीं बनाया। अभी मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। हमें सॉल्ट टू टेस्ट डालना है। देन इसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। इसके बाद मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। बस ध्यान रहे पेस्ट नहीं है, सभी चीज़ें चॉप्ड हैं, तो हमें इन्हें सॉफ्ट करना है, तो फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद मैंने डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। इससे टेस्ट जो है वो तीखा नहीं होगा, बस कलर बहुत अच्छा आएगा। मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए मैं अभी पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके 10 मिनट के लिए कवर कर दें। आफ्टर 10 मिनट्स हमारे ओनियन और टोमेटोज जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें अच्छे से मिला देना है, थोड़ा मैश भी कर देना है। उसके बाद अभी मैंने डाला है होल चिली और ये है होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, प्लीज़ आप देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ गरम मसाला को बनाया है। गरम मसाला भी मैंने डाल लिया है। इसके बाद अभी मैंने डाला है 1 टीस्पून शुगर। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप डालिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक बार ज़रूर 1 टीस्पून शुगर डाल करके छोले मसाला बनाइएगा। इसके बाद अभी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से छोले मसाला में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप ज़रूर डालें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेना है। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। आपको फील नहीं होगा कि आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ बॉयल्ड काबुली चना। मैंने चने को पहले से ही बॉयल कर लिया था। आप इस रेसिपी को कुकर में भी बना सकते हैं, बट अगर इस तरह से बनाइएगा तो ये ढाबा स्टाइल बनेगी और बहुत ही लजीज बनती है। और छोले डालने के बाद भी अच्छे से मसाले के साथ मिला लेना है और कुछ देर के लिए कवर भी कर देना है। ऐसा नहीं है कि काबुली चना को मैंने डाला और सीधे पानी डाल देना है, नहीं, अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मसालों के साथ कोट करके थोड़ी देर ढक करके देन हमें पानी डालना है। अभी मैं पानी डाल रही हूँ। पानी आपको अपने हिसाब से डालना है, आपको जैसा टेक्सचर पसंद हो। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था,
बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और बॉयल होने के लिए ऐसे ही कवर करके छोड़ देना है। आफ्टर 10 मिनट्स हम देखते हैं हमारी सब्जी जो है उसमें बॉयल आ चुकी है। एक बार अच्छे से मिला देना है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने फिर से 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। मुझे ग्रेवी थोड़ी लूज़ लग रही थी और अभी मैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हल्का सा घी इस पर पॉर कर रही हूँ। घी ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हमारी जो सब्जी है, हमारा जो छोले मसाला है, वो अपने परफेक्ट टेक्सचर में आ चुका है। और अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक करनी है तो आप कुछ छोलों को मैश भी कर सकते हैं। और ये है चना चाट। मैं जब भी काबुली चना का छोले बनाती हूँ तो मैं ये रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ। उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स हमारा लजीज ढाबा स्टाइल छोले मसाला बनकर तैयार है। ये काफ़ी टेम्प्टिंग दिख रहा है और सच में ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप मैंने वीडियो को सिंप्लिसिटी के साथ अच्छे से बताया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल कीप सिंपल लिव बेटर को सब्सक्राइब करें। और अपने घरों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, कीप सिंपल लिव बेटर एंड स्टे हैप्पी।